तो जो HSG है वो एक स्पेशल टाइप का एक्सरे होता है। ये वही एक्सरे है जो कि आपने कभी छाती का चेस्ट एक्सरे कराया होगा या सुना होगा, सेम वही एक्सरे है, उसी मशीन से किया जाता है, उसी प्रोसीजर से किया जाता है। लेकिन इस एक्सरे में फीमेल बॉडी के अंदर एक खास टाइप की दवाई को, डाई को इंजेक्ट किया जाता है, जो कि हम लोग वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो स्पेशल टाइप का एक्सरे है, इस एक्सरे में हम लोग आपकी बच्चेदानी और फेलोपियन ट्यूब की फोटो निकालते हैं एक्सरे के माध्यम से, और उस फोटो में देखते हैं कि कहीं आपकी बच्चेदानी या फेलोपियन ट्यूब में किसी टाइप की रुकावट तो नहीं है। क्योंकि फेलोपियन ट्यूब में या बच्चेदानी में रुकावट होने से गर्भधारण नहीं होता है। और अगर आपने प्रीवियसली कोई अल्ट्रासाउंड कराया होगा, कोई ब्लड टेस्ट कराए होंगे, हॉर्मोनल टेस्ट कराए होंगे, या फिर अगर आपने फोलिकुलर मॉनिटरिंग तक करा रखी है, तो इन टेस्ट से, इन स्कैन से बच्चेदानी में रुकावट या फेलोपियन ट्यूब में रुकावट का पता नहीं लगता है। इसीलिए हम लोगों ने आपको HSG कराने की सलाह दी है। तो यहाँ पर कुछ पेशेंट ये सवाल पूछते हैं कि आखिर फेलोपियन ट्यूब में रुकावट या बच्चेदानी में रुकावट का पता लगकर हो क्या जाएगा, और कैसे फेलोपियन ट्यूब में रुकावट या बच्चेदानी में रुकावट से गर्भधारण नहीं हो पाता है। तो देखिए, इसे आप लोग इस डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखो, ये किसी महिला की बच्चेदानी आप लोग एक्सपोज कर सकते हो। इस बच्चेदानी की दोनों साइड ये जो नलकियां हैं, इसे हम लोग फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। अब ये जो नीचे है, ये बच्चेदानी का मुंह है, जिसे सर्विक्स बोलते हैं, और ये प्राइवेट पार्ट है, जिसे योनि या फिर इंग्लिश में वजाइना बोलती हैं। यहाँ पर ओव्यूशन के बाद जो अंडा है, जो ओवम है, वो 24 घंटे तक स्पर्म का वेट करता है कि कोई स्पर्म आए, उसको फर्टिलाइज कर दे। इस बीच जिन भी कपल्स को बच्चा पैदा करना होता है या जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, वो अगर इस समय फिजिकल रिलेशन रखते हैं, तो जो वीर्य का डिस्चार्ज है वो इस जगह पर होता है, और वीर्य के अंदर काफ़ी सारे स्पर्म होते हैं। अब ये स्पर्म बच्चेदानी के मुंह से होते हुए बच्चेदानी में एंटर करते हैं, और फिर ये फेलोपियन ट्यूब में एंटर करते हुए एग को फर्टिलाइज कर देते हैं। फिर जैसे ही एग फर्टिलाइज होता है, तो लगभग 5 से 7 दिन के बाद ये फर्टिलाइज अंडा बच्चेदानी में जाता है, और ये इम्प्लांट हो जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि आपको गर्भधारण हो गया है। तो यहाँ पर जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि जब तक अंडे और स्पर्म का मिलन नहीं होता है, जब तक स्पर्म अंडे को आकर फर्टिलाइज नहीं करता है, तब तक आपको गर्भधारण नहीं होता है। अब यहाँ पर सपोज करो कि अगर बच्चेदानी में किसी टाइप की रुकावट आ जाती है, रुकावट जैसे कि अगर बच्चेदानी में किसी टाइप का पोलिप है, फाइब्रॉइड है, गांठ है, ट्यूमर है, या बच्चेदानी में जाले पड़ गए हैं, जिसे हम लोग एशरमेंट सिंड्रोम बोलते हैं, तो बच्चेदानी में बाधा आ जाती है, जिससे स्पर्म एग तक नहीं पहुंच पाता है और उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाता है, जिससे महिला को गर्भधारण नहीं हो पाता है। इसी तरह अगर फेलोपियन ट्यूब में किसी टाइप की रुकावट है, तो स्पर्म और एग का मिलन नहीं होगा, स्पर्म एग को फर्टिलाइज नहीं करेगा, और आपको गर्भधारण नहीं होगा। इसीलिए हम लोग ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं HSG के माध्यम से कि कहीं आपको ये समस्या तो नहीं है जिस वजह से आपको गर्भधारण नहीं हो पा रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग आगे ये डिस्कस करेंगे कि HSG क्या होता है, इसका कॉस्ट कितना आता है, HSG कैसे करते हैं, और HSG के माध्यम से हमें कैसे पता लगता है कि आपकी बच्चेदानी या फेलोपियन ट्यूब में रुकावट है या नहीं। तो ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो गाइस देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि आखिर HSG क्या होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि HSG एक स्पेशल टाइप का एक्सरे होता है। इस एक्सरे में हम लोग फीमेल बॉडी में एक स्पेशल टाइप की कॉन्ट्रास्ट मीडियम ऑयल बेस आयोडीन की डाई को इंजेक्ट करते हैं। ये डाई 8 से 10 ml तक हम लोग इंजेक्ट करते हैं, और HSG को करने में 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन इसकी तैयारी करने में 1.5 घंटा या 1 घंटे का समय लग सकता है। फिर दूसरी बात आती है कि HSG को कराने का कॉस्ट कितना आता है। तो अगर आप किसी छोटी सिटी से बिलोंग करते हैं, किसी छोटे हॉस्पिटल में HSG कराने गए हैं, तो जो HSG की कॉस्ट है वो 1500 से लेके 2500 के बीच में आती है। लेकिन अगर किसी बड़े हॉस्पिटल में HSG कराने गए हैं,
तो HSG की जो कॉस्ट है वो 4000 से लेके 6000 के बीच में आपको पे करनी पड़ती है। आगे हम लोग ये डिस्कस करते हैं जो कि मुझसे बारी बारी ये सवाल पूछा जाता है कि क्या HSG कराने में दर्द होता है या नहीं होता है। कुछ लोग तो ऐसे ही हैं कि इस डर की वजह से HSG को डिले करते रहते हैं, पोस्टपोन करते रहते हैं, उनके काफ़ी सारे महीने निकल जाते हैं प्लान करते करते या मूड बनाते बनाते कि HSG कराएं या ना कराएं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जब HSG होती है तो आयोडीन की डाई को हम लोग इंजेक्ट करते हैं। ये डाई बच्चेदानी के मुंह से होती हुई बच्चेदानी में जाती है, फिर फैलोपियन ट्यूब में जाती है और आपके पेट में गिर जाती है अगर आपकी फैलोपियन ट्यूब खुली हुई है तो। दूसरी बात ये भी बताई कि HSG को करने में 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है। तो यहाँ पर पहले तो आपको ये आइडिया लगाना है कि अगर कोई भी फॉरेन मटेरियल हमारी बॉडी में जाता है तो पेन होता है, तकलीफ होती है, लेकिन ये तकलीफ लेबर पेन जितनी नहीं है। पीरियड जैसी क्रैम्पिंग आपको देखने को मिलती है जिसकी ड्यूरेशन 2 से 3 मिनट की होती है। अब यहाँ पर इस बात से भी आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कितना पेन होगा, वो ये है कि 100 में से 99% महिलाएं बिना किसी एनेस्थीसिया के, मतलब कि बेहोशी की दवाई को लिए या तेज इंजेक्शन को लगवाए HSG कराने में सक्षम होती हैं। इसके अलावा HSG करने से 1 घंटा पहले हम लोग पेशेंट को एक पेन किलर इंजेक्शन भी लगाते हैं। तो आपको इस बात से नहीं घबराना है कि आपको दर्द होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये जो प्रोसीजर होने वाला है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसीजर है और वो वजह आपको निकाल कर देगा जिस वजह से आपको गर्भधारण नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग ये भी नोट करते हैं कि जिन भी पेशेंट की फैलोपियन ट्यूब या बच्चेदानी में रुकावट होती है उनको HSG करते समय दर्द ज़्यादा होता है और ज़्यादा दिनों तक रहता भी है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि HSG कैसी होती है। तो जिस भी तारीख को आपने अपॉइंटमेंट फिक्स की होती है HSG के लिए, जब आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले तो आपको पूरा प्रोसीजर समझा देते हैं कि ये सारी चीज़ें आपके साथ होनी हैं। HSG के 1 घंटा पहले आपको दर्द का इंजेक्शन भी लगा देते हैं। फिर जब आपका टाइम पूरा हो जाता है, जब आपकी HSG होने वाली होती है, तो आपको हॉस्पिटल का एक गाउन दिया जाता है। आपको यूनरी ब्लैडर खाली करने के लिए भी हम लोग बोलते हैं कि आप टॉयलेट कराएं। फिर आपको एक टेबल पर लेटा दिया जाता है लिथोट्रोमी पोजीशन में, जैसे कि आप लोग इस फोटो में देख रहे हैं। फिर जो आपकी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर होती है वो आपके प्राइवेट पार्ट को क्लीन करती है। फिर एक खास टाइप का इंस्ट्रूमेंट हम लोग इंसर्ट करते हैं जिसे हम लोग स्पेकुलम बोलते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हमें आपकी बच्चेदानी का मुंह दिखाई देता है। अब ये जो बच्चेदानी का मुंह है ये एक जगह स्टेबल नहीं रहता है, उसको फिक्स करना होता है, इसीलिए हम लोग एक खास टाइप के फोर्सेप का यूज़ करते हैं और फोर्सेप की हेल्प से हम लोग बच्चेदानी के मुँह को पकड़ते हैं। अब यहाँ पर जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि जो बच्चेदानी का मुँह है वो बहुत ही संवेदनशील होता है, बहुत ही सेंसिटिव होता है। तो जब हम लोग इस फोर्सेप से बच्चेदानी के मुंह को पकड़ते हैं तब महिला को दर्द होता है, पीरियड जैसी क्रैम्पिंग होती है। लेकिन हम लोग ये बात जानते हैं और फिर फटाफट हम लोग एक कैनुले को इंसर्ट करते हैं बच्चेदानी के मुंह में ताकि हम लोग दवाई को इंजेक्ट कर सकें। अगर आप लोग किसी पुराने हॉस्पिटल में HSG करा रहे हैं या फिर ऐसा कोई हॉस्पिटल है जो कि ओल्ड प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है तो HSG कैनुले का उपयोग होता है जिससे थोड़ा दर्द होता है, क्रैम्पिंग होती है। लेकिन अगर कोई लेटेस्ट हॉस्पिटल बना हुआ है या कोई हॉस्पिटल न्यू प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है तो इस टाइम हम लोग फोलिस कैथेटर का यूज़ करते हैं जो कि एक रबड़ की पाइप होती है। इस पाइप को हम लोग बच्चेदानी के मुंह में इंसर्ट करते हैं और 2 ml नॉर्मल सलाइन से इन्फ्लेट कर देते हैं। तो ये जो फोलिस कैथेटर है ये अपनी जगह पर फिक्स हो जाता है, फिर ये हिलता नहीं है। और उसके बाद हम लोग जो बच्चेदानी के मुंह को जिस इंस्ट्रूमेंट से पकड़ा हुआ था उस इंस्ट्रूमेंट को बाहर निकाल लेते हैं, स्पेकुलम को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। अब फटाफट हम लोग 8 से 10 ml जो ओल्ड बेस्ड डाई है उसको इंजेक्ट करते हैं और इस को इंजेक्ट करते हुए हम लोग 3 से 5 बार आपकी एक्सरे फिल्म लेते हैं। अब देखिए, कुछ हॉस्पिटल हैं जो कि एक्सरे की फिल्म लेते हैं और कुछ एडवांस हॉस्पिटल में CRM मशीन का उपयोग होता है। इस CRM मशीन में हम लोग लाइव वीडियो देख सकते हैं, मतलब कि लाइव फोटो लाइव वीडियो चलती रहती है।
उससे हम लोग बेटर तरीके से पता लगा पाते हैं कि ये जो दवाई है ये फेलोपियन ट्यूब में पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, या फिर ये बच्चेदानी तक ही रुक गई है। इस बात को हम लोग और अच्छे से ऐसे जानते हैं, देखिए ये आपकी बच्चेदानी है, राइट। अब ये जो बच्चेदानी का मुंह है, यहां पर हम लोग कैथेटर, जो फोलिस कैथेटर है उसको इंजेक्ट करते हैं या फिर HSG कैन्यूले को इंसर्ट करते हैं, और जो डाई होती है, और जो डाई है मान लो कि ये डाई हम लोग इंजेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो दवाई है डाई है वो पहले बच्चेदानी में फैलती है जाकर, और फिर ये फेलोपियन ट्यूब में जाती है, और फिर ये फेलोपियन ट्यूब का ये जो फिम्बरी स्ट्रक्चर है, जो ये फिम्बरी पार्ट है दोनों साइड में, यहाँ पर भी और यहाँ पर, ये डाई अगर फेलोपियन ट्यूब खुली है, बच्चेदानी खुली है, तो इस जगह से ये नीचे गिर जाती है, आपके पेट के अंदर गिर जाती है। इसे आप लोग इस एक्सरे की फिल्म से देख सकते हैं। ये देखिए जो पहली फिल्म है, ये जो वाइट वाइट पोर्शन आप लोग देख रहे हैं, ये आपकी बच्चेदानी है और ये दवाई है जो कि बच्चेदानी में ऐसे फैली हुई है। अगली ये जो फिल्म देख रहे हो, इस फिल्म में आप लोग देख सकती हैं कि ये बच्चेदानी है, यहाँ पर ये जो पाइपें दिख रही हैं बारीक बारीक, ये आपकी फेलोपियन ट्यूब है, और ये जो आगे दवाई फैली हुई है वाइट वाइट पोर्शन है, ये डाई है जो कि आपके पेट के अंदर गिरी हुई है। अगर दोनों साइड डाई गिरी हुई है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो बच्चेदानी है और जो फेलोपियन ट्यूब है वो खुली हुई है, मतलब कि पेटेंट है। बस इसी बात को हमको कन्फर्म करना है कि ये दवाई आपके पेट में गिर रही है या नहीं गिर रही है, और अगर नहीं गिर रही है तो कहाँ तक ये दवाई पहुँच रही है। जो HSG की रिपोर्ट है वो आपको उसी दिन दे दी जाती है। अब जब आपकी HSG रिपोर्ट आती है तो उसमें चार पॉसिबिलिटी आ सकती है। पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपकी जो HSG रिपोर्ट है वो एकदम नॉर्मल है, मतलब कि आपकी बच्चेदानी और फेलोपियन ट्यूब खुली हुई है। तो अगर HSG रिपोर्ट नॉर्मल आती है तो आपके डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देते हैं, आपकी हिस्ट्री भी देखते हैं कि अगर आपको PCOD है, PCOS है, या ओवरियन सिस्ट है, या एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको दवाई प्रेस्क्राइब करते हैं, जिसकी ड्यूरेशन 3 मंथ तक की भी हो सकती है। लेकिन अगर आपने वो दवाइयां ली हुई है HSG कराने से पहले, तो आपके डॉक्टर आपको IUI कराने के लिए भी बोल सकते हैं। दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो ये हो सकती है कि आपकी बच्चेदानी में रुकावट आ सकती है। ये रुकावट मान लीजिए फाइब्रॉइड हो सकते हैं, या फिर पॉलिप हो सकते हैं, या फिर बच्चेदानी में किसी टाइप का ट्यूमर है, बच्चेदानी में गांठ हो सकती है, बच्चेदानी में TB का इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर बच्चेदानी की शेप में एबनॉर्मेलिटी आ सकती है। तो जो भी आपकी कंडीशन होगी उस हिसाब का आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे कि अगर आपकी बच्चेदानी में पोलिप है तो आपको DNC कराने की एडवाइस देंगे, और उसके बाद आपको हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए जो भी मटेरियल निकलता है उसको भेज देते हैं। अगर बच्चेदानी में जाले पड़े हुए हैं, जिसे हम लोग एशरमेंट सिंड्रोम बोलते हैं, तो दूरबीन से इसकी सफाई की जाती है, इसको ठीक किया जाता है, जिसे हम लोग हिस्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। तो जो भी आपका कंडीशन होती है, जो भी HSG में रिपोर्ट आती है बच्चेदानी में खराबी के अकॉर्डिंग, उस टाइप का आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है। तीसरी जो पॉसिबिलिटी है वो ये हो सकती है कि आपकी फेलोपियन ट्यूब में रुकावट आ सकती है। आपकी बच्चेदानी तो ठीक है, लेकिन फेलोपियन ट्यूब में रुकावट है, या फिर दोनों ही फेलोपियन ट्यूब में रुकावट है। अब ये जो रुकावट है, ये या तो ब्लड क्लॉट जमा होने की वजह से हो सकता है, कोई म्यूकस फंसा हो उस वजह से हो सकता है, या फिर आपकी फेलोपियन ट्यूब में सूजन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, किसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की वजह से, वायरल इन्फेक्शन की वजह से, TB का इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर जो फेलोपियन ट्यूब है उसमें पानी भर सकता है, जिसे हम लोग हाइड्रोसल्फिंक्स बोलते हैं। तो जिस भी टाइप का आपको डिजीज़ आती है, जिस भी टाइप की आपको प्रॉब्लम आती है HSG में, उसी टाइप का आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर हाइड्रोसल्फिंक्स है तो आपकी जिस भी साइड हाइड्रोसल्फिंक्स होती है उस साइड की फेलोपियन ट्यूब को बांध दिया जाता है। अगर दोनों ही फेलोपियन ट्यूब में पानी भरा हुआ है, हाइड्रोसल्फिंक्स है, तो आपको IVF के लिए बोला जाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में ट्रीटमेंट काम नहीं करता है, आपको मिसकैरेज हो जाएगा, या फिर आपको जो भी ट्रीटमेंट देंगे वो फेल हो जाएगा। जो फोर्थ पॉसिबिलिटी है वो ये हो सकती है कि आपकी बच्चेदानी में भी प्रॉब्लम है और फेलोपियन ट्यूब में भी प्रॉब्लम है। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो फिर हमें कुछ एडवांस टेस्ट कराने पड़ते हैं, कुछ आपके स्कैंस अलग से होते हैं। ये
हम डिसाइड करती हैं कि कैसे आपकी प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। और एज फैक्टर भी इसमें एक अलग भूमिका निभाता है। अगर आपकी जो एज है वो 35 साल के नियरली अबाउट है तो आपको फिर ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, फिर आपको IVF के लिए हम लोग एडवाइस करते हैं। तो ये था गाइज आज का हमारा टॉपिक HSG के ऊपर। अगर स्टिल कोई आपके मन में सवाल हो या दिमाग में कोई क्वेश्चन हो, क्वायरी हो, तो कमेंट करके आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रही होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।